हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं डेली लाइफ व्लॉग शेयर कर रही हूँ और आज का जो व्लॉग है वो मेरा संडे का अपडेट है। सुबह मैं उठ के जो ऊपर का टेरेस गार्डन में चलती हूँ और उसमें बहुत सारे पौधे हैं, उन सब से मिलती हूँ और प्लांट्स को वाटरिंग करती हूँ, दवाई देती हूँ, फिर मैं सारा काम स्टार्ट करती हूँ हर रोज़ की तरह। जो मेरे गार्डन में जो है ना, येलो कलर का एक है हिबिस्कस, और उसको और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, डार्क रेड कलर के हैं, फिर पिंक कलर के हैं, और ये है ब्लू कलर के। यहाँ पर जो सारे कलर्स हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे टाइम स्पेंड करना। और ये मैंने कुछ जो घर के अंदर रखने वाला पौधा होता है ना, वो इंडोर प्लांट्स बोलते हैं, तो वो सब मैं कभी कभी ना धूप में डाल देती हूँ दो एक घंटा के लिए, फिर पानी वानी डाल के उन लोगों को थोड़ा सा बाहर रख देती हूँ ताकि थोड़ा वो भी थोड़ा सूरज को देखे, रिफ्रेश हो जाए। सबको रिफ्रेशमेंट चाहिए क्योंकि घर के अंदर धूप नहीं आती है, तो हल्का धूप भी नहीं आती है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो मैंने इसीलिए मॉर्निंग में दो एक घंटे के लिए बाहर इनको छोड़ती हूँ, फिर इवनिंग में इनको अंदर ले कर आती हूँ। और ये जो प्लास्टिक वाला पॉट है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। मैंने तो गमला लेके आ गई हूँ मगर उनको अभी तक सेट नहीं कर पाई, तो सेट करना है। मिट्टी ख़त्म हो गया, एक्चुअली मिट्टी भी लाना पड़ेगा, तो उसके बाद मैं सेट करूँगी। फिर मैं क्या करूँगी, ये जो पौधे हैं, और मैं नर्सरी में नेक्स्ट मंथ भी जाऊँगी। मुझे इंडोर प्लांट्स पहले उतना ज़्यादा पसंद नहीं था, मतलब उनको कैसे रखें, उनका क्या क्या करना पड़ता है मालूम भी नहीं था। तो अभी मैं कर रही हूँ, एकदम जो कम प्राइस वाला पौधा है वही से स्टार्ट किया है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इनका मेंटेनेंस, मैं नेक्स्ट मंथ जाके थोड़ा और भी लेके आऊँगी। और ये देखिए, बेड वगैरह ये सब तो मैंने आराम से कर लिया है, और सुबह वॉशिंग मशीन भी चलाना होता है, कुछ कपड़े होते हैं तो वो सब करके फिर मैं किचन चली जाऊंगी। आज का ब्रेकफास्ट लंच थोड़ा सा हम संडे का स्पेशल बनाते हैं और मुझे अच्छा लगता है, सभी लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि सभी लोग घर में भी मौजूद होते हैं ना, तो करने को मन भी करता है। नूडल्स बनाई थी आज मॉर्निंग में, सिंपल इसको चाउमीन, बिल्कुल जो सब हमारे घर में मौजूद सब्जियां होती है, जैसे कि गाजर, कैप्सिकम, थोड़ा ओनियन डाल दिया था, और यहाँ पे अंडे भी फेंट दिए थे। और मेरे लिए मैंने ये ओट्स वाला जो स्मूदी है अपने लिए बनाया, ये थोड़ा सा शुगर मैंने ऐड किया था, शुगर फ्री भी आप बना सकते हो, और डेट्स वगैरह, किशमिश, ये सब डाल के मैंने अपने लिए मैं थोड़ा सा शुगर ऐड किया। मगर ये नूडल्स जो है, नूडल्स मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, तो ये ओट्स बहुत अच्छा लगता है, ऐसे करके आप अगर खाओगे। बहुत सारे रेसिपीज़ भी है, मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करूँगी। और ये नूडल्स देखिए कैसा बना है खाने, मतलब ये जो ऊपर जैसे सिंपल टमाटो केचप, बहुत सारे टमाटो, बहुत सारे सॉस है मेरे स्टॉक में। आज दोपहर को मैंने बनाया था बिरयानी, और वो भी बहुत चुटकी में। मेरा जो हेल्पर है ना, वो आई थी सुबह, तो उसको मैंने सिर्फ चावल बनाने के लिए बोल दिया था, और ये बॉयल करने के लिए अंडा और आलू वो बाल के गई है, और ये सारे जो चिकन है इसको अच्छे से नमक हल्दी डाल के, और फिर ये जो ऑनियन है इसको भी स्लाइस बना के गई है। चिकन मैं पसंद नहीं करती हूँ, इसको थोड़ा येलो कलर होता है तो ही मैं कुक करने में मेरा आसानी होती है, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपको यही, मैं इसको येलो बना के फिर मैं बनाती हूँ, पकाती हूँ। तो ये मैं पहले इसको फ्राई करूँगी, हल्का हल्का फ्राई करूँगी चिकन का जो पीस है। कुछ पीसेस ज़्यादा थे तो, क्योंकि मैंने एक ही वन टाइम डिनर के लिए नहीं बनाया, लंच के लिए ही बनाया था, तो बचा जो पीसेस हैं उसको मैं रख दिया था, शायद तंदूरी चिकन बनाऊँगी ये सोच के, तो ठीक है इसको रख दिया था फ्रिज में। और ये चावल जो है उसको ऐड करने के पहले मैंने
बिरयानी मसाला डाल दिया था चिकन में और उसको थोड़ा सा चलाया, फिर चावल को ऐड किया। और यहाँ पे देखो मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई में, और घी में मैं डाल दूँगी सारे ओनियन को, रेडिश टाइप का फ्राई हो जाएगा ना, तो उसमें मैं ये जो आलू उबाला था नमक डाल के ही, और वो आलू थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी, हल्के से इसको चला लूँगी, नहीं तो ये टूट जाएगा, ये बॉयल किया हुआ आलू है तो इसीलिए संभाल के करना पड़ेगा। और आलू मुझे पसंद नहीं है, मैं आलू पसंद नहीं करती हूँ, मेरा जो छोटा बेटा है वो उसको आलू बहुत पसंद है। और रायता बनाई थी, और रायते में मैंने क्यूकम्बर, ग्रेप्स, थोड़ा सा ओनियन, और इसमें मैंने और कुछ नहीं डाला, ये इतना ही डाल दिया था। और वैसे भी इसमें आप और भी कुछ डाल सकते हो, कोई कोई एप्पल्स, ग्रीन एप्पल्स भी डालते हैं। और मैंने मसाला डाला था, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक और चीनी, और इसमें थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। बिरयानी मेरा चुटकी में बन के तैयार हो गया है आधा घंटे में, और क्योंकि राइस ऑलरेडी बना हुआ था तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब मुझे उतना टाइम लेके, टाइम नहीं था, काम बहुत ज़्यादा था और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ता है, तो सभी लोग बहुत पसंद करते हैं मज़े से खाए, क्योंकि वो मसाला है ना उसमें एकदम बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अभी तो मैंने एवरेस्ट वाला मसाला नहीं यूज़ किया, ये सनराइज़ वाला मसाला ही, ये भी अच्छा है। और बिरयानी में क्या होता है, कुछ दूसरे तीसरे आइटम्स नहीं बनाना पड़ता है, जस्ट रायता और थोड़ा ओनियन सलाद में डाल दिया बस, और कुछ नहीं। तो ज़्यादा ही खाना खा लिया था मैंने, आज भी सोचा था कि बिरयानी का भी एक मुकबैंग वीडियो बना लूं, मगर आज इतना ज़्यादा काम था तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। मेरे चैनल्स में बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं मुकबैंग के शायद और ये दोपहर को थोड़ा सा मैंने जूस भी बनाया था, ऑरेंज जूस, ये देखिए मेरा जो छोटा बेटा है वो कर रहा है ये, क्योंकि किचन साफ़ सफाई करके फिर मैं निकलूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है अगर गंदा होके रहता है, तो कोशिश करती हूँ 2 हफ्ते में एक बार अच्छे से साफ़ करूँ। और ये मैंने पॉमग्रेनेट का भी बनाया है, और ये देखिए ये जो डेकोरेशन है यूट्यूब शॉर्ट्स में काफ़ी ट्रेंडिंग है अभी, मेरे पास एक भी टूथपिक नहीं था तो मैं कर ही नहीं पाई, मैंने अपने लिए लस्सी बनाया था और ये बनाया था, दो टाइप का, एक ऑरेंज और एक पॉमग्रेनेट जूस। तो ये हो गया दोपहर का कंप्लीट, फिर ये देखिए किचन मैंने साफ़ कर रही हूँ, इसका तो क्लीनिंग का तो दिखाना नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, इसमें बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, कभी नहीं लगता कि कैमरा पकड़ के कोई रहेगा, क्योंकि अभी लंच हो गया है और हम लोग कुछ देर बाद 6:30 जाएंगे मूवी देखने, और मैं तब तक के लिए जो जो है मॉर्निंग से स्टार्ट करके वो क्लिपिंग्स ले लिया है, और अभी हम निकलेंगे, तो निकलने के बाद मैं कुछ बाहर का और कुछ मूवी हॉल का वो सब का थोड़ा थोड़ा ले लूँगी, ऐसे शॉपिंग मॉल वगैरह वो सब नहीं लेना है, वो सब कॉमन चीज़ है तो वो सब नहीं लेना है, और मेरा खुद का भी कुछ भी नहीं, मैं नहीं लूँगी, क्या मैं तैयार हुई हूँ क्या हूँ वो सब नहीं लेना है, सिंपल सा ही। और आज का जो संडे बहुत ही एक्साइटिंग संडे है, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद हम लोग बाहर निकल रहे हैं, एग्ज़ाम्स की वजह से बाहर नहीं जा रहे थे, क्योंकि ये तो बच्चों को देखना फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, पढ़ाई लिखाई फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ कोर्स, तो आज क्योंकि जो छोटा बेटा है उसका एग्ज़ाम्स चल रहा है तो उसका छुट्टी है 2 दिन का, तो हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा हम लोगों को भी रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ मूवी देखने जाऊंगी, इंग्लिश मूवी, और पहले सोच रहे थे कि बंगाली मूवी ही हम लोग देखेंगे, मगर लास्ट हम लोग
थोड़ा सा वो जो रेटिंग्स होते हैं ना वो सब चेक किया, फिर मुझे लगा कि नहीं ये नहीं देखना चाहिए, जो मैं हमने डिसाइड किया वो बाद में देखेंगे, मेरा थोड़ा मूवी देखने का है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही देखती हूँ, तो आज सोच रहे थे ठीक है चलो आज इंग्लिश मूवी देखेंगे, किलर्स ऑफ द फ्लावर्स फ्लावर मून। तो वो मूवी मुझे मैंने उसका अभी तो ट्रेलर नहीं देखा, रेटिंग देखा है बस, पता चलेगा अब जाने के बाद और कैसा लगेगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में थोड़ा सा बताऊंगी मुझे कैसा लगा। चलते हैं मूवी देखने के लिए और ब्लॉग को भी आगे बढ़ाते हैं। तो शाम हो चुका है तो हम लोग निकलेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही जा रहे हैं और दोनों दो बेटे घर में ही हैं, एक तो इवनिंग में खेलने के लिए बाहर निकल जाता है, जिम वगैरह जाता है, तो और एक छोटा जो है वो घर में ही रहता है। वो आज मुझे बोल रहा था कुछ रेसिपी बनाएगा, पता नहीं गैस वैस ऑन करके, वो भी मैं एक दिन शेयर करूँगी, उसको कुकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। हम पहुंच गए हैं सिनेमा हॉल और ये है मूवी का छोटा छोटा क्लिप जो मैंने वहाँ बैठ के लिया था। मूवी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मगर लंबा था बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा स्लो मोशन टाइप का था, मगर स्टोरी बहुत अच्छा है। और ये US में जो रेड इंडियन लोग रहते थे उन्हीं के ऊपर आधारित है। और ये देखिए जो हम अभी बैक टू पैवेलियन हो रहे हैं, मैंने इतना ही अपना दिखाया है तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे, बहुत रात हो चुका था, 11 बज चुका था, तो घर जाके भी खाना वाना सब देना ये सब काम होता है, तो व्लॉग को ना आज का व्लॉग मैं अभी खींचूंगी नहीं, बहुत ज़्यादा शेयर कर लिया। फुल डे रूटीन फ्रॉम अमृताज डेली लाइफ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे बिल्कुल एक लाइक और सब्सक्राइब टू माय चैनल, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।